नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले को बुरी तरह से पीटा गया। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो एक एक कर सारे सबूत खुलकर सामने आ गए। चूड़ी बेचने वाले ने अपना नाम छुपाया, पहचान छुपाई और तो और उसके लिए प्रदर्शन करने वालों में PFI का नाम भी शामिल था। लेकिन जनाब, अब मुद्दा बन ही गया है तो इस पर राजनीति तो होनी थी। बस इस मामले को लेकर कांग्रेस का हो हल्ला शुरू हो गया। कांग्रेस ने चूड़ी वाले के नाम पर BJP को ऐसा घेरना शुरू किया कि बस चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि अब उन्हें चुप करने वाला बयान दिया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वो लोग हैं जो देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव कहीं भी होता है तो उसे फैलाने की कोशिश करते हैं, उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये उनके वोटों की राजनीति है। मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कोई भी मर्द नेता कांग्रेस में नहीं जो ये कहे कि हमने अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम किया है। सिर्फ लोगों को भड़काना, मुद्दे डाइवर्ट करना इनका काम है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने BJP पर तमाम आरोप लगाए हैं। इधर इंदौर की घटना में अब कांग्रेस चूड़ी वाले के समर्थन में पूरी तरह से उतर आई। जनसंपर्क मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने इंदौर की घटना पर आक्रोश जाहिर किया। PC शर्मा ने मामले में चूड़ी वाले का समर्थन किया और कहा कि जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ की बात हो रही है वो लड़की दिखाई नहीं पड़ रही, झूठ के कितने पुलिंदे बांधेगी BJP। आजकल जो कुछ BJP और उनके संगठन कर रहे हैं ये देश के भविष्य के लिए खतरा है, ये आरोप भी लगाया गया है। अब सवाल ये कि जब इस मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं जो उस चूड़ी वाले की असली पहचान उजागर करते हैं, जो ये बताते हैं कि उसने अपना नाम बदला, उसके पास 2 आधार कार्ड थे, उसने छेड़छाड़ की, फिर भी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी है, क्या यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का तरीका नहीं है? क्या सिर्फ तस्लीम नाम सुनकर ही कांग्रेस के कानों में इंसाफ गूंज गया? क्या नरोत्तम मिश्रा के सवालों के जवाब कांग्रेस के पास है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।